हाँ तो बच्चों, आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो ये होमोलोगस सीरीज है क्या, मतलब हम इसको कैसे देख रहे हैं, देखते हैं। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शन ग्रुप एंड द कंसिक्यूटिव मेंबर्स हैज ए डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप और मॉलिकुलर वेट डिफरेंस इज 14, नाउन एज होमोलोगस सीरीज। यानी हमारे पास वो सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड होमोलोगस मेंबर कहला सकते हैं, उनमें फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए पहली बात, और उनका वेट डिफरेंस 14 होना चाहिए, और वो CH2 की वजह से। CH2 मतलब कार्बन 12 और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो मैं अपने मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, फंक्शन ग्रुप सेम मॉल और डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2। तो दो जो कंपाउंड जिनमें CH2 का डिफरेंस है वो तो एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर कहलाएंगे और वो एक ही सीरीज के कहलाएंगे। तो कैसे देखते हैं, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एल्केन से। देखिए एल्केन, आपके पास पहला मेंबर है CH4, फिर अगला CH4 यानी C2H6, फिर CH2 जोड़ा आपने तो आपके पास क्या बन गया, C3H8। तो ये दोनों आपके पास क्या है, ये इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस नहीं है, ये दोनों होमोलोगस है, लेकिन ये सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस है, आपका आंसर होगा यस। क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस है, आपका आंसर होगा यस। क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस, क्या ये दोनों एक दूसरे से सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, हाँ, लेकिन ये एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर नहीं है। होमोलोगस में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए जबकि यहाँ CH2 का डिफरेंस नहीं है। तो मेरी बात समझ में आ गई, तो इस तरह से हम होमोलोगस को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए। ये फंक्शन ग्रुप क्या होता है ये हम थोड़ा सा और आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे एल्केन है तो एल्केन ही होना चाहिए, फिर पाई बॉन्ड नहीं आना चाहिए। एल्कीन है तो एल्कीन ही होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ होमोलोगस मेंबर और उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हमारे होमोलोगस सीरीज है एल्केन, ये हमने एल्केन बना लिया जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे लिए। एक और पॉइंट कि होमोलोगस मेंबर्स का एक जनरल फॉर्मूला बनता है, यानी उस सीरीज का होता है जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। यानी इसके मेंबर कौन होंगे, CH4, फर्स्ट मेंबर CH4 होगा, सेकंड C2H6, थर्ड C3H8, फोर्थ C4H10। तो ये सारा एक दूसरे के साथ होमोलोगस है, और ये होमोलोगस है, ये एक दूसरे का होमोलोगस है, ये एक दूसरे का होमोलोगस है, और ये सभी होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, लेकिन ये एक दूसरे का होमोलोगस मेंबर नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया एल्केन। फिर बात आती है एल्कीन। एल्कीन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, आपके लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n, केवल CnH2n। तो इसका फर्स्ट मेंबर CN की वैल्यू यहां 1 नहीं हो सकती, यहां 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 के साथ फिर पाई बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, इसमें एक पाई बॉन्ड भी होगा। तो कैसे देखेंगे, C2H4, सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा C3H6, थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा C4H8, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 2। तो इसका फर्स्ट मेंबर ये है, ये इसका थर्ड है, ये सब एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर हैं, ये एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर नहीं है, लेकिन एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर जरूर बोल सकते हो, आपस में होमोलोगस नहीं बोल सकते। एल्काइन, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, CnH2n, पहले ही 2n आ चुका है यानी -2 होगा, यहाँ +2 था, यहाँ +0 था, यहाँ -2, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका भी फर्स्ट मेंबर आपके पास CnH2, यानी n की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, फर्स्ट मेंबर, क्योंकि इसमें तो दो दो पाई है, तो बिना एक कार्बन के तो काम, बिना दो कार्बन के काम ही नहीं चलेगा, आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिएंगे, 2। तो C2H2, C3H कितना हो जाएगा, 4, C4 4 रखती, 8 -2 6, C4H6, ये इसके मेंबर्स हैं। ये एल्केन हुआ, ये एल्कीन हुआ, ये एल्काइन हुआ, ये तीन सीरीज हमने होमोलोगस की पढ़ी है, ऐसे ही एल्कोल की भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इनको लिखें जल्दी से फास्ट, एक अल्कोहल भी करते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+1+ऑक्सीजन, CnH2n+2+ऑक्सीजन। यानी हमारे लिए क्या हो रहा है, इस तरह से
फर्स्ट सी एच थ्री ओ एच, या तो यहां पर वन लिख के ओ एच लिख सकते हैं या टू लिख के हम ओ लिख सकते हैं केवल। सो हमारे पास वही है सी एच फोर, लेकिन ऑक्सीजन एक एडिशन आ गया। सेकंड मेंबर क्या होगा, सी टू एच फाइव ओ एच, ये एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर हैं और ये पूरी सीरीज बनेगी तो क्या कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज। लिखिए इनको फास्ट। हाँ तो बच्चों थोड़ा सा आपको और दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे हम होमोलोगस पे क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए और एक दूसरे में सी एच टू का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर हैं? आपका आंसर होगा यस। तो क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन होमोलोगस नेचर, होमोलोगस क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस है? हाँ, क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है ये होमोलोगस? ये तो एक दूसरे के आइसोमर है। क्यों? क्योंकि इनमें तो सी एच टू का डिफरेंस है ही नहीं, चार कार्बन दोनों में चार कार्बन है। ठीक है, क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस है? देखिए ये भी एक दूसरे के होमोलोगस नहीं है, लेकिन अब अगर मैं यहां पर एक भी कार्बन बढ़ा देता हूं, एक दो तीन चार पांच, और यहां एक दो तीन चार, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर हैं। अब आगे अगर हम यहां ये बात करते हैं, क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर है? तो आपका आंसर होगा यस, ये एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर है। ये मेरे पास एक बेंजीन है और ये मेरे पास टॉलुइन है, क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर है? आपका आंसर होगा हाँ। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसका होमोलोगस क्या हो सकता है? ये एक तरह से एक दो तीन चार, चार कार्बन वाली एल्केन है, तो पांच वाला होमोलोगस हो सकता है, एक दो तीन चार पांच, ये भी होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है, एक दो तीन चार पांच, और ये भी होमोलोगस है, एक दो तीन चार पांच, तो ये तीनों इसके क्या है, होमोलोगस मेंबर्स हैं, ये तीनों होमोलोगस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम आइडिया लगा रहे हैं, फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हमारे पास अल्कोहल है, क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें चार कार्बन है, इसमें कितने हैं, तीन, दोनों में डिफरेंस कितना है, सी एच टू, तो ये हमारे पास हो गया ओ एच। और अब आप बताइए क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस हैं? ये एक होमोलोगस में सीरीज के तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे के आपस में होमोलोगस नहीं है, क्योंकि इसमें तीन कार्बन है और उसमें कितने हैं, पांच। तो आपको समझ में आया, लिखिए आप इसको जल्दी से। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल कैसा भी हो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी ओएच है, लेकिन एक में कार्बन दूसरे के कार्बन से अंतर होना चाहिए वन का। चलिए लिखिए फास्ट।